हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। आज हम आपको बताएंगे होंडा ब्रियो 2019 के बारे में। तो ये गाड़ी जस्ट लॉन्च हुई है, राधा अनवील हुई है इंडोनेशिया में, और ये इंडिया में आने वाली है बहुत जल्द। और जानना है इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो दोस्तों, होंडा ब्रियो 2019 कुछ दिनों पहले हमने इस पर एक वीडियो किया। तो दोस्तों, होंडा ब्रियो 2019 ये गाड़ी बहुत जल्द इंडियन कार मार्केट में आने वाली है। हमने कुछ ही दिन पहले वीडियो किया था कि ये 2 अगस्त को अनवील की जाएगी इन इंडोनेशिया, और आज इसका ऑफिशियल अनवील हो चुका है। तो ये गाड़ी कुछ इस तरह से दिखती है जो आप मेरे बाजू में स्क्रीन पे देख रहे हैं। एंड यस, ये एक ऑल न्यू गाड़ी है, नए प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, नए फीचर्स होंगे, नई स्टाइलिंग होगी, बहुत कुछ नया रहेगा। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा एक एक करके, एंड लेट्स ट्राई एंड सी। कुछ रह जाता है तो आप कमेंट्स में उसे छोड़ देना, मैं उसके जवाब आप तक पहुंचा दूंगा। सबसे पहला सवाल, क्या है ये नई होंडा ब्रियो? ये ऑल न्यू जनरेशन है, ये फेसलिफ्ट नहीं है। इसकी वजह से ये एक नए प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है। तो जो अमेज इंडिया में बिक रही है ऑलरेडी, जो रिसेंटली लॉन्च हुई है, ये उसी प्लेटफॉर्म पे बनाई जाएगी। इसके कारण इसकी स्टाइलिंग ऑल न्यू रहेगी, इसके डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे, इसके व्हील बेस का लेंथ चेंज होगा, इसकी चौड़ाई बदल जाएगी। तो ओवरऑल देयर विल बी अ मेजर चेंज इन द डायनेमिक्स ऑफ द होंडा ब्रियो। क्या चेंजेस होंगे? एक तो इसको नया विड्थ दे दिया जाएगा, तो इसकी चौड़ाई काफ़ी बढ़ जाएगी पहले से, जिसकी वजह से अंदर कैबिन में स्पेस बढ़ जाएगी। व्हील बेस इंक्रीज होगा, इसके कारण इंटीरियर नी रूम इंक्रीज होगा। ओवरऑल कार की जो डायमेंशंस है वो थोड़े बढ़ जाएंगे पहले से। जब आप इसका फ्रंट देखेंगे तो ये लगभग अमेज जैसा ही है, पर फर्क ये रहेगा कि जो थिक क्रोम ग्रिल आपको अमेज में दी गई है वो इसमें नहीं दी जाएगी, रादर आपको ब्लैक ग्रिल मिलेगी। और जो इसके हेडलैम्प्स है वो थोड़े अलग रहेंगे इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, अगर आप अमेज से कंपेयर करें। इसमें आपको प्रोजेक्टर लैम्प्स नहीं मिलेंगे, तो इसमें जो LEDs आएंगे वो सिमिलर रहेंगे जो आपको ये गाड़ी में दिखाए जा रहे। तो अगर आप बात करेंगे इसके फ्रंट लुक की, तो ये काफ़ी नया और स्टाइलिश लगेगा। साइड प्रोफाइल से ये काफ़ी हद तक पुरानी ब्रियो की तरह रिजेंबल करेगी, पर इसमें ऑफकोर्स मेजर डिफरेंसेस रहेंगे। इसका ग्रैब हैंडल चेंज हो जाएगा, इसकी ओवरऑल स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी साइड प्रोफाइल से। पर अगर आप इसके व्हील बेस की बात करें तो पुरानी ब्रियो से डेफिनेटली बड़ा है, लेकिन ये अमेज जितना नहीं रहेगा, अमेज से छोटा रहेगा इसका व्हील बेस। वहीं पे इसका रियर एंड मुझसे पूछो तो ये टियागो और फीगो का एक मिक्सचर लग रहा है मुझे समवॉट, और थोड़ा यूनिक भी है फॉर श्योर। एक चीज़ सर्टेन है कि जो नई ब्रियो आएगी उसकी डायमेंशंस बढ़ गए हैं और गाड़ी पहले से ज़्यादा अपीलिंग और अपमार्केट लगती है। जो ओरिजिनल ब्रियो आती है, जो अभी भी इंडिया में मिल रही है, वो इतनी स्टाइलिश नहीं लगती और वो इतनी प्रीमियम और अपमार्केट फील नहीं होती है जितनी आज में भी हुंडई या मारुति स्विफ्ट है। तो इसके कारण इसके सेल्स डिप हुए हैं, और होंडा ने ये चीज़ को ध्यान में रखा है। यही चीज़ ध्यान में रखते हुए उन्होंने इंटीरियर्स को भी अपडेट किया है। अब इसके इंटीरियर्स जो है पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे, और इनफैक्ट अगर आप अमेज के इंटीरियर्स देख चुके हैं हमारे साथ, तो आपको इसके इंटीरियर्स भी सिमिलर लगेंगे। इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा विद कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल ज़्यादा करके नहीं दिया जाएगा, आपको ऑडियो कंट्रोल्स दिए जाएंगे। फिर जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहेगा उसमें आपको ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम रहेगा, माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी और ट्रिप मीटर्स, ये सब दिया जाएगा इसमें। सेंटर कंसोल में आपको एक टच स्क्रीन सिस्टम दिया जाएगा 7 इंच का, इसमें डिजीपैड 2.0 आएगा विद अ रेजोल्यूशन ऑफ 480p। इसमें आपको मिलेगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रिवर्स पार्किंग कैमरा और मैप्स, ये सारे फीचर्स इसमें ऑफर कर दिए जाएंगे। क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी में ऑफर कर दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। अब जितना मैं समझ रहा हूँ, इसको जो फ्रंट सीट्स आएंगे वो सिमिलर रहेंगे टू द अमेज, तो यहाँ पे ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज प्रैक्टिकलिटी। फ्रंट लगभग वैसे ही रहेगा जैसे आपको अमेज में आता है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं आएगा। रियर में फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि अमेज जो है रियर ज़्यादा नी रूम ऑफर करेगी, इसमें थोड़ा कम नी रूम रहेगा कम्पेयर टू अमेज, और इसकी जो सीटिंग पोजीशन रहेगी वो थोड़ी अपराइट रहेगी। अब ये हैचबैक है, इसकी वजह से आप थोड़ा स्ट्रेट बैठेंगे, और जो सेडान वर्जन है अमेज उसमें इसकी सीट थोड़ी ज़्यादा रिक्लाइन रहेगी, तो आप थोड़ा लीन करके बैठ सकते हैं। पीछे AC वेंट्स नहीं दिए जाएंगे, मेरा मानना ये है शायद पीछे 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट दे दिया जाए इस गाड़ी में।
बूट स्पेस अगर आप अमेज से कंपेयर करें तो उतनी बड़ी नहीं रहेगी। अमेज में आप 420 लीटर का बूट स्पेस है, पर यह पुरानी ब्रियो से डेफिनेटली बड़ा है। पुरानी ब्रियो में स्पेस वॉज अ बिग कंस्ट्रेंट, पर यह गाड़ी का बूट स्पेस डेफिनेटली इंप्रूव हो गया है। ओवरऑल इसके एग्जैक्ट डायमेंशन उनके उन्होंने अभी तक शेयर नहीं किए हमारे साथ, पर इसके डायमेंशन ज़्यादा बेहतर रहेंगे और कंपेयर किए जा सकते होंगे टू अ ग्रैंड आइटन या फिर मारुति स्विफ्ट। इंजन्स की बात करें तो इसमें आपको एक ही इंजन आएगा, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, 88 bhp ऑफ पावर, 110 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, 5 स्पीड मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन। तो इंजन वही है जो करंट ब्रियो में आता है और इसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव कर दी जाएगी समवॉट इन टर्म्स ऑफ ट्विकिंग, पर जो पावर रहेगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। इसमें डीजल इंजन नहीं ऑफर किया जाएगा क्योंकि ये सेगमेंट में मेजरली पेट्रोल गाड़ियां ही बिक रही है और डीजल का इतना स्टेक नहीं है, और अगर होंडा डीजल इंजन लाता है तो 1.5 लीटर इंजन रहेगी जिसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, और शायद ये ज़्यादा सूटेबल नहीं रहे। और अगर होंडा इस सेगमेंट में डीजल इंजन लाता है तो उनके पास यही 1.5 लीटर की इंजन है। मेरा मानना ये अगर इसमें डीजल इंजन आ गई तो ये 80 bhp ऑफ पावर बनाएगी रादर देन 100 bhp जो बेसिकली CVT में भी आएगी। तो आपको 5 स्पीड मैनुअल और CVT दोनों ऑफर कर दिया जाएगा इन द डीजल इंजन। वहीं पे अगर हम बात करें इस गाड़ी की प्राइस क्या होगी, इसकी प्राइस होनी चाहिए 4.5 लाख से 6 लाख रुपए तक, और ये अगर पेट्रोल में आई तो, अगर डीजल में भी आई तो इसकी प्राइस 7 लाख तक जानी चाहिए ऑलमोस्ट ऑन रोड। तो 4.5 लाख से 7 लाख में ये एक अच्छी ऑप्शन रहेगी आपके लिए, और ये कम्पीट करेगी विद टाटा टियागो और ह्यूंडई ग्रैंड आइटन के साथ डायरेक्टली हेड ऑन। अगला सवाल, इस गाड़ी का लॉन्च कब होगा? इस गाड़ी का लॉन्च होना चाहिए बाय मिड 2019। इससे पहले ये गाड़ी इंडियन मार्केट में नहीं आएगी, उससे थोड़ा और समय लग जाएगा क्योंकि अब होंडा लाने वाली है सिविक और CRV। तो CRV का लॉन्च इस साल है, अगले साल के स्टार्टिंग में आपको होंडा सिविक भी मिल जाएगी। तो हमें ज़रूर बताइए आपको ये ब्रियो दिखने में कैसी लगी, और इसमें फिलहाल दो कलर्स दिखाए हैं, येलो एंड रेड। तो आपको ये कलर्स कैसे लगे इन टर्म्स ऑफ लुक्स, और आपको कौन सा कलर पसंद आया ज़्यादा? आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को तुरंत ही लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए व्हाट्सएप फेसबुक पे अभी के अभी, क्योंकि बहुत जने नई गाड़ियाँ लेना चाहते हैं और ये एक डेफिनेटली एक्साइटिंग प्रोडक्ट है। कुछ भी सवाल हो कमेंट्स नीचे छोड़ दो, उनके जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। टेक केयर गाइज, ड्राइव सेफ, मिलेंगे कल फिर से।